चलो भाई थोड़ा थोड़ा सा पीछे होना, थोड़ा सा पीछे जाओ। चेन्नई में भारत और बांग्लादेश के बीच जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है उसके पहले दिन भारत की हालत खराब थी। 144 रन पर भारत ने 6 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन उसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने शतक लगाया। रविंद्र जडेजा भी 86 रन बनाकर नाबाद है। भारत ने बना लिए हैं 339 रन और ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया कमांडिंग पोजीशन पर है। मेरे साथ कुछ फैंस हैं, इनसे पूछते हैं कैसी लगी इनको अश्विन और जडेजा की बल्लेबाजी। क्या कहोगे भाई आज अश्विन और जडेजा की बैटिंग देख के क्या लगा? भैया आज वो दोनों तो बहुत अच्छा खेले, स्टार्टिंग में 125-26 पे 6 विकेट गिर गया था तो डर लग रहा था कि ये मतलब अच्छा नहीं खेल पाएंगे, 300 पे ऑल आउट हो जाएंगे या फिर आज ही ऑल आउट हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों लोगों ने आज भारी संभाल लिया बल्लेबाजी। मजा आया दोनों की बैटिंग? मजा आया। क्या कहोगे भाई आज सुबह तो टॉप ऑर्डर बिल्कुल फेल हो गया था इंडिया का। पहले लगा जब अपन मेट्रो पे पहुंचे तो विराट कोहली आउट हो गए, डिसअपॉइंटेड। ये तो नहीं लगा वापस चले जाए, इतने डिसअपॉइंटेड हो गए थे। फिर हमारे तालपति है उनका और अश्विन अन्ना, उनका बैटिंग देखकर वो मतलब एक दीवार बन के खड़े रह गए हमारे टीम के लिए। वो बहुत अच्छा बैटिंग किए। अब कल हमारा तालपति का सेंचुरी आना है, अब वो देखना है सुबह। अब इंडिया तो जीत ही गई है क्योंकि पहले दिन में जीत गई, 300 मार दी, अब बांग्लादेश को नहीं मार पाएगी ना। अच्छा अब लग रहा है 400 भी लग सकता है अगर अच्छे से खेल ली तो। कल इंतजार रहेगा जडेजा की सेंचुरी का? हाँ कल तो पक्का इंतजार है। आप बताओ भैया आपको क्या लगा, कैसा धागा खोल दिया भाई अश्विन ने, जडेजा ने धागा खोल दिया भाई। मजा आ गया, बहुत मजा आया। जो पहले स्पेल में जो गेंदबाजी हुई थी बांग्लादेश की, पहले स्पेल में बहुत अच्छा खेला बांग्लादेश ने, फिर सेकंड स्पेल में इंडिया ने अच्छा खेला। अच्छा हाँ, पैसे वसूल हो गए आज? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप आओ भैया, आप क्या कहोगे आज पहला सेशन उसके बाद आखिरी सेशन? पहला सेशन तो बहुत खराब गया आप लोग के लिए, लाइक 144/6। उसके बाद मेरे को लगा कि आज का दिन हम लोग मतलब नहीं निकाल पाएंगे, ऑल आउट हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद अश्विन और जडेजा ने अच्छी बैटिंग की और जैसा कि अभी भाई ने कहा कि हम लोग जीत गए। अभी ऐसा नहीं है, बांग्लादेश अभी रिसेंटली पाकिस्तान को हरा के आ रहा है और उनके घर में हरा के आ रहा है, तो ऐसे हल्के में नहीं ले सकते। भाई आप क्या कहोगे? जड्डू भाई का शतक का इंतजार है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? इधर 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 इस साइड आइए। क्या कहेंगे आप अश्विन की बैटिंग के लिए? बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्लास। पिछले बार भी जब वो सेंचुरी मारे थे मैं इधर ही था चेपॉक में, इंग्लैंड के अगेंस्ट। मैं रेगुलर हूँ चेपॉक में, मेरा फेवरेट इनिंग्स वैसे व्हाइट बॉल में केएल राहुल का मैच विनिंग 97 था। और पिछले बार जब मैं टेस्ट मैच देखा था चेन्नई की तेज गर्मी में शफाली में एक ही दिन में बेसबॉल स्टाइल में 194 बॉल में 200 बनाया, तो चेन्नई का स्पिरिट है जैसे इंडिया कोलैप्स होती वैसे वैसे बच जाती है और जीत भी जाती है, जीत भी जाती है। चलिए उम्मीद करेंगे अश्विन ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, जडेजा की भी वैसी परफॉर्मेंस आए और भारत जो है वो ड्राइवर सीट में है। रवीश सारा समय के लिए चेन्नई से।